एलएफजीडी 2025 टॉपिक चला है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो है चैप्टर्स है वो है एवरेज। एवरेज का वीडियो नंबर 8 होना है, 7 वीडियो इससे पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि तीन के पहले 10 गुणज या पहले ना होकर प्रथम होता तो ज़्यादा बढ़िया, 3 के प्रथम 10 गुणज तो लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी होती, का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो, ठीक है। 3 के पहले, अगर 3 से पहले हो जाता तो क्वेश्चन बहुत बदल जाता है ना। 3 से पहले, 3 के पहले तो भी बात बन रही है, सही है। 3 के प्रथम 10 गुणज बहुत अच्छी बात बन रही है, ठीक है। या 3, 6, 9, 3 के 10 गुणज, यानी कि 3 का 3 ढाई 30 तक ले जाओ, 3 के 10 गुणज आ जाएंगे। 3, 6, 3, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 3 के प्रथम 10 गुणज। ये सब एपी में है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी में है। प्रथम पद 3 है और अंतिम पद कितना है, 30 है, एल बराबर 30। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारा 3 का, एन है 1, 2, 3, 4, 10 है, एन बराबर 10 है, ठीक है। तो इसका योग निकालेंगे, एन बाई टू ए प्लस है। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तब लगाते हैं जब एल ना मालूम हो, ठीक है। ए और डी पता है, एन पता है तो ये लगाते हैं, एल मालूम है तो ये आसान हो जाता है थोड़ा सा, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एन बराबर 10/2, एन बराबर 10, ए का मान 3 है और एल का मान 30 है, ठीक है। 10/2 यानी कि 5 और ये हो गया 33, 3 × 5 = 15, 15 × 1 = 16। अब लेना है हमें औसत, औसत बराबर एस एन बाई एन, यानी कि योग बटे पदों का योग बटे पदों की योग बटे संख्या। पदों का योग 165 एंड संख्या है हमारी 10, तो 16.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है 8 के पहले 4 धनात्मक गुणांकों का औसत। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणांकों का औसत क्या होगा। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणांकों का औसत क्या होगा, तो 8, 8 = 16, 8 = 24, 8 = 32, ठीक है। 4 हो गए, इनका औसत निकालना है, तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, इन्हें जोड़ देंगे, अपन संख्या कितनी, 4, 8, 16, 24, 24, 48, 48 + 32 / 4, 48 = 50, 50 = 30, 80, 80 / 4 यानी कि 20 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में कहा है 13 और 43 के बीच, उन सभी संख्याओं का 13 और 43 के बीच की संख्याएं के बीच की संख्याएं जो 3 से विभाज्य, 13 और 43 के बीच की संख्याएं जो 3 से कट रही हैं, यानी कि 13 के बाद 13 तो कटेगा नहीं, और यहाँ पर 43 है 43 भी नहीं कटता, 42 कटता है शायद 3 से 3 × 3, हाँ कटेगा, 15 कटेगा 15 × 3 = 18, 18 × 3 = 21, 24 × 3 = 27, 33, 33 × 36, 36 × 39 और 39 × 42, तो ये संख्या हो जाएंगी जो 3 से विभाज्य हो, तो 13 के और 43 के बीच की हो। ये सब एपी में है, 3 दिन का अंतर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्याएं, एन बराबर 10 हो गया, ए बराबर 15 हो गया, एल बराबर 42 हो गया, इसका योग निकालेंगे, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, एन है 10/2, ए है 15 और एल है 42, जोड़ देंगे 5 × 5 = 7, 4 × 5 =
पाँच सत्तर पैंतीस का पाँच हासिल लेकिन तीन पाँच पंजे पच्चीस, पच्चीस सौ तीन अट्ठाईस, दो सौ पचासी ऐसे। अब लेना औसत, औसत बराबर योग बटे संख्या, तो 285 बटे 10 यानी कि 28.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 70 और 144 तक, 70 से 144 तक 13 के गुणज, 13 के गुणज का औसत ज्ञात करो। 13 का गुणज यानी कि 13 से कटने वाले, 13 चंग 78, 13 सत्ते 91 यानी कि ये तो नहीं रहेगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे 13 सत्ते 91 और यहाँ 143 मुझको लग रहा 13 से कटेगा, 143 13 से काटेंगे, 13 एक 13 ओके कट रहा है, तो ये नहीं रहेगा, इसके और इसके बीच 13 के गुणज, प्रथम पद 78 हो जाएगा और अंतिम पद 43 हो जाएगा, 143 L, N नहीं मालूम है, 13 6 78, 13 7 91, 13 9 91 और 13 104 है, 13 6 78, 13 7 13 8 104, 13 9 117, 13 9 130 और 130 के बाद क्या आएगा 143। तो एन भी अब पता लग गया, 1 2 3 4 5 6, एन बराबर 6 हो गया, तो इसका योग निकालेंगे एन बाई टू ए प्लस एल, तो एन का मान है 6/2 और ए का मान है 78 और एल का मान 143। 6/2 3, 8 10 11 11 5 6 11 12 2 हासिल लगा 1 1 2, 3 3 6 663 ऐसे ना गया। अब लेना है औसत, औसत बराबर एस एन बाई एन, 6 6 63 / n है कितने 6, इसको भाग कर लेंगे किससे 6 से, 6 6 6 6 3 आया ऊपर से क्या आया तो 0 आएगा, पॉइंट होगी 0, 6 5 30, तो ये हो जाएगा 110.5।